मुझे बता दी। सच कहें तो वो झूठ बोल ही नहीं किया कभी, बोली प्लीज ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स, कभी झूठ नहीं बोली। इनफैक्ट वो झूठ बोल ही नहीं सकती। और चाहता हूँ लड़की का सवाल है मुझसे 50 बार पूछ रही कि आप ना ऐसा कुछ नहीं, विशा मुझसे कभी झूठ नहीं बोली। इनफैक्ट वो झूठ बोल नहीं सकती। बस इतना चाहते हैं कि उस मकान मालिक की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन ना हो। तुम क्यों ना जल्द से जल्द ये घर खाली करके और कोई घर क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ बहुत आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी एक दो ब्रोकर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ रहे होंगे? रोले आए सॉरी एक्शन। हाँ मैम आप ठीक है, मैं अभी एक दो ब्रोकर से बात कर लेता हूँ। बोलते तो कंफ्यूज हो जाती है। जो जो हम भी तो गुजर चुके हैं ऐसी मुझसे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब सुबह वो लड़का आया था निशा की आंखों में उसके लिए उतना प्यार नहीं देखा जितना हम भी तो गुजर चुके हैं। कबीर हम भी तो गुजर चुके हैं इस उम्र से। हम बस इतना कह रहे हैं कि
सुबह जब वो लड़का आया था तो हमने निशा की आंखों में उसके लिए इतना प्यार देखा कि I'm sorry, लेकिन हमने निशा की आंखों में तुम्हारे लिए इतना प्यार कभी नहीं देखा. मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है. निशा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती. इनफैक्ट वो झूठ बोल नहीं सकती मॉम. और जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, हम उसे कई बार समझ चुके कि यहाँ पे ना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो यहाँ पे परेशान करने आ जाता है. मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है. निशा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती. इनफैक्ट वो झूठ बोल ही नहीं सकती मॉम. और जहां तक उस लड़की का सवाल है, मॉम उसे 50 बार समझा चुके कि यहाँ पे ना है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वो यहाँ पे परेशान करने आ जाता है. मॉम प्लीज, आप निशा को गलत मत समझना. निशा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको या मुझे शर्मिंदा होना पड़े. बेटा, हम समझते हैं तुम्हारे जज्बात. I understand, लेकिन बेटा, माँ है ना तुम्हारी. जितनी अहमियत निशा की तुम्हारी जिंदगी में है ना, उससे कई ज्यादा अहमियत हमारी जिंदगी में तुम्हारी. I just want to make sure कि ये लड़की निशा जितना प्यार तुम उसे करती हो, जिसके smiling at all, not in this, no, I'm not, no, no, I'm not, later, I thought you would, no, no. upset. मॉम प्लीज, आप निशा को कभी गलत मत समझना. निशा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी मॉम जिससे आपको या मुझे शर्मिंदा होना पड़े. हम तुम्हारे जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन बेटा, जितनी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में निशा के लिए है ना, उससे कहीं ज्यादा अहमियत हमारी जिंदगी में तुम्हारी है. माँ है ना तुम्हारी. तुम्हें किसी भी कीमत पर परेशान होता नहीं देख सकते. क्या थी वो लाइन जो तुम बोलना चाहते हो? जो इसलिए जो एक माँ के दिल में आया दिया हमने, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी खुशी कह दिया हमने. हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं कबीर, और कुछ नहीं. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जितना प्यार तुम निशा से करते हो, जितना पागल तुम निशा से, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जितना प्यार तुम निशा से करते हो, जिसके लिए तुमने अपना अपना ख्वाब, अपना जुनून, सब कुछ छोड़ दिया है, क्या वो लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती? ना, ना
इधर के रहे और ना उधर के। माँ मुझे पूरा यकीन है अपने लंदन ना जाने के फैसले पे भी और निशा पे भी। मुझे पूरा यकीन है अपने लंदन ना जाने के फैसले पे भी और निशा पे भी। मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। And I'm happy for you. I'm sure कोई फासला नहीं आएगा बेटा, लेकिन हम नहीं चाहते उस मकान मालिक की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी टेंशन हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकलते? I think तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ ना। हाँ आप ठीक कह रही हो, मैं अभी किसी एक दो ब्रोकर से बात करके आता हूँ। नहीं मैं अभी एक दो ब्रोकर से बात करूँ। रेडी? हाँ मैम आप ठीक कह रही हो, मैं अभी एक दो ब्रोकर से बात करके आता हूँ। वो है नहीं। लाइन बोल लीला जी। लीला जी, लीला जी आपको याद है ना? ये गए गया जो जो जितना मासूम उसको समझ रहे हो वो है नहीं। लीला जी आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? जो जो जितना मासूम तुम निशा को समझते हो उतना मासूम है नहीं। ओके सी द फोन, यू कैन सी द फोन, ओ देन इट्स अ प्रोसेस। My wallpaper is my kid's. He's wearing a hairband. Or the action. Take your lines facing here. Jojo, jitna maasoom tum aisa ko samajhte ho, wo utna maasoom hai nahi. Leela ji. आपको याद है ना आपको क्या काम करना है? आपको पता है कि आपको क्या काम करना है? आपको क्या करना है? आपको हाँ मुझे भी याद है। याद है आपको? मेरे बोलने से नहीं पड़ेगा आपको बोलना पता चले ना आपको बोलना याद था। मैं उसी से मैं टूटने वाला था। ना विसाले सनम ना करके रहे ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ऑर्डर सर। एक्शन। वरना ना खुदा ही मिला ना विसाले। क्या है बोलो? हम देखें। सर लाइन बोलना। सर ही इज बिजी ऑन हिज फोन। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के।
आज की सीन में क्या चल रहा है? आज की सीन में एज यूजुअल वसुंधरा निशा और कबीर की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रही है एंड शी इज गेटिंग बेटर एट इट डे बाय डे. तो बस वही कर रही है, शी वांट्स के दोनों एक साथ ना रहे और दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स हो, तो बस आग लगाने की कोशिश कर रही है. वसुंधरा अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही है जी, ऐसा मैंने सुना है लोगों को कहते हुए. तो कबीर कैसे मान ली अपने मम्मी के बातों में कैसे आ जा रहे हैं, क्योंकि वो निशा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. क्योंकि वसुंधरा उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, तो कबीर भी अपनी माँ को बुरा तो नहीं समझता, तो उसे लगता है कि हाँ मेरी माँ जो कह रही है वो शायद मेरी अच्छाई के लिए, मेरी भलाई के लिए कह रही है, तो आ जाता है अपनी माँ की बातों में. क्या लगता है वसुंधरा जी कि कबीर इतना जल्दी आपके पास आने वाला है? आई थिंक कबीर को फंसाने में मैं अब तक तो कामयाब रही हूँ, आगे भी रहूंगी. लेकिन कबीर क्या आपको लगता है कि निशा को छोड़ के आपके पास या फिर जो अलग रहने जा रहे हैं? हाँ, कोशिश तो यही है मेरी कि वो पूरी तरह से मेरी चंगुल में आ जाए, चुंगुल में आ जाए, और आई होप इसमें कामयाब रहूँ. वो बेसिकली जेलस है वसुंधरा, कोई भी आई डोंट नो, वो उसका जो पास्ट हिस्ट्री रहा है निशा की फैमिली के साथ, तो वो नहीं चाहती कि उस फैमिली की बेटी खुश रहे, स्पेशली उसका बेटा उसे खुशी दे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती इस बात को. तो लेकिन ये सब का पर्दा खुलने के बाद क्या होगा आपका? धमाका. निशा को सब पता है? ऑफ कोर्स नॉट, उसे कुछ भी नहीं पता, वरना कैसे कर पाती है सब. तो कबीर बताना चाहेगा उसे कि ये सब हो रहा है, वो भी ये सब? नहीं, कबीर खुद नहीं जानता कि मैं ये सब कर रही हूँ. वसुंधरा इज बेसिकली अ वेरी मैनिपुलेटिव औरत, तो वो ये सब कर रही है चापलूसी, तो बहुत स्वीट बन के, बहुत भोली बन के सब चीजें कर रही है और सक्सीड हो रही है. लास्टली कबीर आपके जंगल में फंसी है? हाँ. कबीर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अलग करना? आपने तो पूरे तरकीब अपना चुके. हाँ, उसके लिए आपको आगे के एपिसोड्स देखने होंगे एंड हम चाहेंगे कि आप देखते रहे निशा और उसके कजिन्स, सो दैट वसुंधरा की चाले कामयाब होती है नहीं होती है ये सब आपको पता चले. थैंक यू सो मच.